पहले तो माजरत, सईद साहब की उर्दू काफ़ी शकील और अच्छी है, मैं शायद उस तरीके से बयान ना कर सकूं, लेकिन कोशिश है। ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ साइकिल में ऐसे पिविटल पॉइंट्स आते हैं जो उनको आसमानों की तरफ गामजन करने का मौजब बनते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि DHA क्वेटा और हाइलैंड रिजॉर्ट के लिए ये वही पिविटल पॉइंट है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी इनको आसमानों की तरफ लेके जाएगी। हाइलैंड रिजॉर्ट एक सब्सिडरी है जाहिद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, और जाहिद साहब जो हैं ग्रुप चेयरमैन सैयद जाहिद हसन साहब, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्पेशली क्वेटा वालों के लिए। हमारे तो सबके बुज़ुर्ग हैं, वैसे जवान हैं, लेकिन हमारे बड़े हैं जो क्वेटा के एक हिसाब से। और DHA क्वेटा की भी जो है वो एक थोड़ा सी जो एक्टिविटीज़ है वो मुमताज़ इस तरीके से रही हैं कि यहाँ क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वालों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया। इवन जो अभी तक हमने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेट किए हैं वो सारे के सारे क्वेटा के पार्टीज़ हैं, जिनको जो अभी हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इंगेज्ड हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जाहिद साहब भी, पहले JV हमारी जाहिद साहब के साथ होने जा रही है और उनका ताल्लुक भी क्वेटा से है, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता चलूं कि हमारे DHA क्वेटा में जो जितने भी हमारे ये कलीग्स हैं हमारे साथ, ये चीज़ आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि 67% प्लस जो है वो ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका ताल्लुक क्वेटा से है, बलूचिस्तान से है, तो एक बहुत बड़ी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी DHA बन के यहाँ आया। प्लस इसके अलावा थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे दूं कि ओवरऑल जो है ये 50 एकड़स पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 433 विलास की कंस्ट्रक्शन होगी और बहुत आला मयार की होगी। जाहिद साहब के टेस्ट को मैं ख़ुद इन पर्सन जानता हूँ, वो जो चीज़ वहाँ प्रोड्यूस करेंगे वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो DHA का एक जो मयार है उसके साथ मुताबकत भी क्रिएट करेगा और उसको जिला भी बख्शेगा, उसे और उठाएगा। और एक आखिरी बात मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस चीज़ पे कि ये चीज़ एक वाजे रहे कि ओवरऑल जो इस टाइप के बड़े वेंचर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके आती है, और एक रफ अंदाजे के मुताबिक जो डायरेक्ट बिजनेस यहाँ पे अगले 2 से 4 साल में, सिर्फ मैं सिर्फ फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ कि फेज़ 1 जो अगले 2 से 4 साल में जो डायरेक्ट बिजनेस क्रिएट करेगा वो पाकिस्तानी रुपयों में 500 अरब से ज़्यादा का है, और उसकी US डॉलर में जो वैल्यू है वो $3.2 बिलियन बनती है। दिस इज़ जस्ट फेज़ 1 वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बाकी इन द एंड आई थैंक एवरीवन जी, स्पेशली जाहिद साहब द ग्रुप चेयरमैन, उनके बेटे द ग्रुप MD रज़ा हसन साहब, एडमिनिस्ट्रेटर DHA शहजादा शाहिद साहब, थैंक्स फॉर बीइंग ओवर हियर, द कलीग्स एंड द मीडिया, थैंक्स अ लॉट मीडिया, थैंक्स फॉर कवरिंग अस, थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हमें भी आगे चलने में एक मोटिवेशन हमारी ज़्यादा बेहतर होगी। हमने अक्टूबर 2018 में ज़मीन हासिल करना शुरू की और हमारे लिए ये बाइस सद इफ्तिखार है कि आवाम ने बेहद पज़ीराई की और हमें सपोर्ट किया। आज एक साल की कलील मुद्दत में हमारे पास 5,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हम हासिल कर चुके हैं और मज़ीद लोग बहुत खुशी के साथ हमें ज़मीन देने पर आमादा हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए रियल इस्टेट में ये बात अशद ज़रूरी है कि जो कमिटमेंट्स हम कर रहे हैं उन कमिटमेंट्स के लिए जितनी ज़मीन दरकार है वो पहले से हमारे पास मौजूद हो। लिहाजा मैं बहुत खुशी के साथ आज ये बात कह रहा हूँ कि हम जो भी ऑफ़र कर रहे हैं आज
वो ज़मीन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इस वजह से प्रोजेक्ट में डिलेज नहीं होंगे और इंशाल्लाह हम अपनी रफ्तार को, डेवलपमेंट की रफ्तार को मेंटेन करते रहेंगे। अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंड एंट्रेंस के ऊपर प्लाजाज हैं एक एक एकड़ के, वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ बन रहे हैं। और बावजूद इसके कि सबका साल में बेहद बर्फ़बारी हुई और रिकॉर्ड्स टूट गए, लेकिन हमने अब उस दौरान भी कोई काम में कमी नहीं की। कोरोना आया उसके बावजूद हम अपने कस्टमर्स के साथ, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, जिसमें जिन बैलेट हमने किया मार्च की 14 तारीख को और उसके फौरन बाद दफ़ा 144 नाफिज़ हुई, बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहां हमारी जो डाक का निज़ाम है, कोरियर्स हैं, वो किसी तरह नहीं चल रहे थे, और हमने इंश्योर किया कि हमारे आईटी के ज़रिए वो लेटर्स लोगों तक पहुँचें और लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी पेमेंट्स में पज़ीराई की। इस बात का हम आवाम का बेहद मशकूर हैं। इस वक्त DHA क्वेटा की एक्सप्रेस वे बनने जा रही और मैं इंतहाई खुशी के साथ इस बात को का ऐलान भी करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मार्च 2021 तक एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट इख्तिताम पज़ीर होगा। DHA क्वेटा के सेक्टर ए के टेंडर्स मार्केट इस वक्त हमने फ्लोट कर दिए हैं, दरख्वास्तें आ रही हैं और चंद दिनों में इनकी वैल्यूएशन का काम मुकम्मल होगा। सेक्टर ए में काम जल्द होने जा रहा है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्वेटा ने 5 मरले की फुल पेमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया 9 दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए और मैं बखुशी ऐलान करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह 1.5 साल में हम प्लॉटों की निशानदेही कर सकेंगे। इस सब के साथ मैं आप सबको एक बात बड़े क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जहनों में ये शक व शुबा चंद लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्वेटा एक लॉन्ग एंडिंग प्रोजेक्ट है, तो मैं आज के इन ऐलानात के साथ और इसके अलावा कुछ और ये बताना चाहता हूँ कि काम पूरी स्पीड के साथ अपनी टाइमलाइंस के मुताबिक इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। आज की ये तकरीब इस बात का सबूत है कि हमारे जॉइंट वेंचर्स में हमारे पार्टनर्स जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस बात को तकवीयत दे रहे हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, वो हम अपनी टाइमलाइंस के मुताबिक मुहैया कर सकेंगे। हम मज़ीद भी जॉइंट वेंचर्स के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि क्वेटा के लोग आगे आएं और तरक्की में अपना हाथ बटाएं। क्वेटा एक ऐसा शहर है जिसको DHA क्वेटा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़, आगा खान जाते हैं लोग यहाँ पे, आप सब लोग गवाह हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इस बात के गवाह हैं कि इस शहर से लोग आगा खान में, कराची में दो इलाज के लिए जाते हैं। इंशाल्लाह DHA क्वेटा तालीम, सेहत और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके लिए एक बहुत ही उम्दा माहौल क्रिएट करेगा, जहां सिक्योरिटी होगी, जहां पानी के कोई इश्यूज नहीं होंगे और बाकी यूटिलिटीज़ भी इंशाल्लाह बरवक्त मुहैया होंगे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं, ख़ास तौर पे हमारे मीडिया ग्रुप्स का जिन्होंने हमें कवरेज दी। जज़ाकल्लाहुल खैर।
خواتین و حضرات، آپ سب کا سب سے پہلے بہت شکریہ ہماری اس سیریمنی میں ہمارا ساتھ دینے کا اور حوصلہ افزائی کا، اور دوسرا شکریہ بریگیڈیئر شاہد صاحب کا کہ وہ تشریف لے کر آئے، کرنل آصف صاحب اور ڈی ایچ اے کی تمام ٹیم جنہوں نے اس سفر کو ہمارے لیے آسان کیا اور اپنے دروازے ہمارے لیے کھولے کہ ہم کوئٹہ شہر کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیونگ فیسلٹی کا ایک بنیاد رکھیں۔ سب سے پہلے میں کوئٹہ ڈی ایچ اے کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کوئٹہ ڈی ایچ اے کوئی ایک سوسائٹی نہیں ہے، کوئٹہ ڈی ایچ اے ایک نیا شہر ہے، اور ہمیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ شہر میں سب سے پہلے ڈیولپمنٹ کا آغاز پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں دیا گیا۔ اس کے لیے بریگیڈیئر صاحب کا اور کرنل آصف صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری ایک اہم بات یہاں پہ کرنے والی یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جوائنٹ وینچر، انہوں نے ہمیں پہلے تو موقع دیا، اس کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر، ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جو ویژن ہے اور جو انہوں نے کنسیشنز پاکستانیوں کو دیے ہیں، اس کے لیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کا آغاز کیا، اور یہ نہ صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بلکہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ہاؤسنگ انڈسٹری کا ایک اسٹیمولس پیکیج ہے۔ اس سے نہ صرف ڈی ایچ اے میں یا مکان لینے والے اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے بلکہ بہت سے لوگ جو انڈسٹری وائز اس کے اندر اپنے لنکیجز پیدا کریں گے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ دوسرا، ایز ہمارے چیئرمین مسٹر زاہد یہاں پہ موجود ہیں، ان کی ایک ویژن ہے کہ اپنے شہر میں ہی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک، تو یہ اس کا ایک آغاز ہے، اس کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے، اینڈ وی ول ناٹ اسٹاپ ہیئر۔ اس کے بعد ان شاء اللہ ہمارے اور بہت سے ہاؤسنگ کے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ، ود ان ڈی ایچ اے اینڈ آؤٹ سائڈ ڈی ایچ اے ہم پروجیکٹس کو لانچ کریں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ وی بلانگ فرام کوئٹہ، اور ہماری ایک ہمیشہ سے ہم ایک چیز یہ سوچتے رہے کہ یہاں سے لوگ ہمیشہ ایک اچھی ہاؤسنگ کے لیے اور اچھی رہائش کے لیے کوئٹہ سے باہر جاتے تھے، بی ایڈ کراچی، بی ایڈ اسلام آباد۔ تو ہمارے مین مقصد یہ ہے کہ کوئٹہ والوں کو کوئٹہ کے شہر کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ لیونگ فیسلٹی دی جائے، کیونکہ سیف ہو، سیکیور ہو، اس میں تمام یوٹیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں، انرجی اور واٹر کنزرویشن آف کورس کو ذہن میں رکھا جائے، یہ ہمارے بیسک مقصد ہے۔ اور جس طرح سر نے کہا کہ ڈی ایچ اے ہیز اسٹارٹیڈ، لیکن میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے ٹوڈے ہیز آلسو بگن، تو ان شاء اللہ دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اے پروگرس اینڈ اے جوائنٹ وینچر۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ سب دعا کریں کہ ان شاء اللہ ہم سب کو کامیاب کریں، ڈی ایچ اے کو سب سے پہلے کامیاب کریں، اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں، تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں کوئی پروجیکٹ کے نکات پہ مزید بات نہیں کروں گا، بیسیکلی میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اس مختصر سی تقریب میں اور ہمارے ساتھ، ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے۔ تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں، سب کا میں بہت تہ دل سے مشکور ہوں۔ اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہائی لینڈ ریزورٹ کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز کا، زاہد حسن صاحب اور رضا حسن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی ڈیولپمنٹ آف ڈی ایچ اے۔ میں نے جیسے بتایا کہ میں پہلے بہت سی بات ہو گئی ہے، میرے سے پہلے آنے والے ڈی ایچ اے کے بارے میں کچھ نکات اور کچھ اچیومنٹس انہوں نے پیش کی، میں ان میں دہراؤں گا نہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اچیومنٹس یا ابھی تک ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ نے، یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی کامیابیاں تو ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئٹہ اور بلوچستان کے عوام کی کامیابیاں ہیں ان شاء اللہ، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے بلوچستان اور کوئٹہ کے عوام کو، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ڈی ایچ اے کی کامیابی بیسیکلی خوشحال بلوچستان کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور جیسے حسن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک ان شاء اللہ نیا کوئٹہ شہر بننے جا رہا ہے، کہ کوئٹہ شہر بہت کنجسٹڈ ہو گیا تھا، وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈس اور فیسیلٹیز اتنی کنجسٹڈ ہو گئی تھیں کہ وہاں رہنا پاسیبل نہیں ہو رہا ابھی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ڈی ایچ اے کے ساتھ جتنا اس کا سائز ہے یا جو آگے اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ان شاء اللہ یہ ایک نیا شہر بنے گا۔ تو یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں، یہ میں بیسیکلی میں کریڈٹ کرنا چاہتا ہوں ڈی ایچ اے کی، ڈی ایچ اے کے عوام کے نام، جنہوں نے بڑی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی زمینیں ڈی ایچ اے کے لیے دیں، اور اسی وجہ سے یہ ڈی ایچ اے یہ زمینیں لے سکا۔ اور اس میں ہمارا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، جس میں اسپیشلی ہمارے لینڈ پرووائڈرز شامل ہیں، کہ ان کی بھی انتھک محنت اور کوشش شامل ہے کہ جس وجہ سے ڈی ایچ اے اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس کے پاس اتنی زمین ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5-6 سال ہم مسلسل فل سپیڈ سے بھی زیادہ اگر ہم کام کرنا چاہیں بھی، تو یہ ڈیولپمنٹ کے لیے اتنی زمین موجود ہے
कि हम डेवलपमेंट इस पर कर सकें, तो ये बड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें भी बताई गई हैं कि यहाँ पे इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट वो सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जो कि पहले शायद बलूचिस्तान के या कोयटा के अवाम उससे महरूम थे, और जिस वजह से लोगों को कोयटा के और बलूचिस्तान के लोगों को कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में सेटल होना पड़ता था या जाना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट को जैसे मैंने कहा खुशहाल बलूचिस्तान की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा इंशाल्लाह, ये एक ट्रेंड सेटर होगा, गेम चेंजर होगा कोयटा के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए। जो कोयटा और बलूचिस्तान के अवाम यहाँ से बाकी शहरों में जाते थे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ी इसमें कन्विक्शन है कि इंशाल्लाह ताला अभी बाकी ममालिक, बाकी शहरों के लोग, पाकिस्तान के बाकी शहरों के लोग इंशाल्लाह कोयटा में और बलूचिस्तान में आएंगे और यहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये DHA बाकी DHO से बहुत मुनफरद होगा, बड़ा यूनिक है। यहाँ की गर्मियाँ, यहाँ की समर्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके से बेहतरीन है, किसी भी DHO से बेहतर है। इसी तरह इसकी विंटर्स, उनके उसके अंदर एक अपना एक यूनिकपन है, एक उसके अंदर अपना एक इंफ्रादियत है, सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। और लोग इंशाल्लाह इधर इसका जो हिल स्टेशन का जो प्रॉपर इसका एडवांटेज है वो लोग हासिल कर सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा बलूचिस्तान के अवाम के लिए। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग सब दुआ करें हमारे साथ मिल के, ये प्रोजेक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं ये पहला प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला इसको भी कामयाब करें, अच्छा करें इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरी नेक नीति के साथ को इसको जितने बेहतरीन तरीके से हम मुकम्मल कर सकें और जितनी जल्दी मुकम्मल कर सकें, और इसके बाद आगे आने वाले भी प्रोजेक्ट हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं और जल्द ही वो भी मंजर आम पे आएंगे और हम उनको जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि कोयटा और बलूचिस्तान के अवाम उससे मुस्तफीद हो सकें। उसमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं, ना सिर्फ रहायशी मनसूबे भी हैं बट उसके साथ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे, मैं अभी उनको बहुत ज़्यादा कमिट नहीं करना चाह रहा लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे वो बहुत जल्द मंजर आम पे आएंगे। तो मैं आप सबसे आखिर में आपका एक दफ़ा फिर मशहूर हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआगो रहें कि अल्लाह ताला DHA को कामयाबी दे, बलूचिस्तान के अवाम के लिए DHA को कामयाब करे और हमारे इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।